नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.1 का चौथा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घन आकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक चित्र के माध्यम से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि यह हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि घन आकार है। आशा करता हूं आपको याद होगा कि घनाकार का मतलब है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए इस प्रकार का यह एक घन है। इस प्रकार से, और इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा अर्धगोला ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है बच्चों। भुजा 7 सेंटीमीटर, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो यह भी 7 होगा, यह भी 7 होगा और यह भी 7 होगा, यानी यह भी 7 होगा। अब हमसे सबसे पहले पूछा गया अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। बच्चों, यदि एक घन के ऊपर अर्धगोला बना है तो उसका अधिकतम व्यास कितना होगा? जितनी इस अर्ध घन की लंबाई या चौड़ाई या भुजा, कुछ भी इसको कह सकते हैं, जितना इस घन का किनारा है उतना ही अर्धगोले का व्यास हो सकता है। तो हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर होगा घन की भुजा, और घन की भुजा किसके बराबर है? 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पहले एक प्रश्न का उत्तर आ गया है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा 7 सेंटीमीटर। तो उन्होंने पूछा इस प्रकार बने, इस प्रकार बने जो अधिकतम व्यास वाला होगा अर्धगोला, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यदि बच्चों अर्धगोले का व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होती है व्यास का आधा, यानी 7 सेंटीमीटर बटा 2, ठीक है बच्चों। तो इसको 7 बटा 2 ही अभी हम रख लेते हैं, ठीक है जी। अब बच्चों आप ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, हमें इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वो किसके बराबर होगा? नीचे घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर अर्धगोला है प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन बच्चों उसमें आप देखिए, अर्धगोला जहां घन को टच कर रहा होगा वह चीज दो बार आएगी, क्योंकि वह घन में भी होगी, वह क्षेत्रफल घन में भी होगा और अर्धगोले में भी होगा, तो एक बार वह क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। आइए इसे समझते हैं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस जो अर्धगोला, अर्धगोला ऊपर से गोल होगा पाई आर स्क्वायर, वह घन को भी टच कर रहा होगा, तो ऊपर आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। मैं इसे आपको एक बार करके दिखाता हूं। मान लीजिए यह जो है, यह जो सतह है, यह एक घन का ऊपरी सतह है, और इस प्रकार से यह हमारा
अर्धगोला है, ठीक है। इस प्रकार से यह अर्धगोले का एक टच होगा। जब यह अर्धगोला इस घन के ऊपर है, ऊपर है इस प्रकार से, तो जितना यह एक वृत्त है, इतना क्षेत्रफल इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, दोनों में आ गया, ठीक है बच्चों। इसलिए एक बार वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो आइए इसको करके देखते हैं। देखिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, सॉरी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6L² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr². तो ये हो जाएगा 6L² प्लस 2πr² में से 1πr² माइनस कर दो तो रह गया πr². अब हम इसे हल कर लेते हैं। 6 × L यानी घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर, तो यानी 7² प्लस पाई 22/7 गुना r है इस अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या थी 7/2, तो r² यानी 7/2 गुना 7/2 और cm² में यह क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए बच्चों 7² होता है 7 × 7 = 49, 49 को जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 294। इसी प्रकार से बच्चों यहां देखिए 1 7 से यह 7 कट गया, 2 से यह 22 कट गया, 11 × 22 तो हमारे पास आ गया बच्चों 11 × 7 77/2 cm². तो बच्चों 294 प्लस 77 को 2 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 38.5 cm² और इन दोनों को प्लस करना है, तो 294 इसके साथ दशमलव नहीं है तो 0.0, 38.5 याद रखना बच्चों, दशमलव के नीचे दशमलव होता है, 0 में 5 प्लस किया 5, 8 × 4 = 12, ये दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, 8 × 4 = 12 हासिल आया 1, 9 × 1 = 10 और 3 = 13 हासिल आया 1, 2 × 1 = 3 तो ये हमारे पास आ गया 332.5 cm². ये क्या है बच्चों, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम अंत में लिख देंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 332.5 cm², यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो देखो बच्चों प्रश्न ध्यान से समझना है। प्रश्न था कि एक घन है, घन के ऊपर एक अर्धगोला है, तो हमने क्या किया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोला, क्योंकि घन को टच हो रहा था तो उस जगह पर जहां वो टच हो रहा था वो सरफेस एरिया दो बार काउंट हो जाएगा, घन में भी और अर्धगोले में भी, इसलिए एक बार अर्धगोले का ऊपरी सतह का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हमने माइनस कर दिया। तो ये हो गया 6L² प्लस 2πr² माइनस πr², तो 6L² प्लस 2πr² में से 1πr² माइनस करते हैं तो रह गया 1πr² वैल्यूज पुट करके हमने उत्तर को निकाल दिया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर अन्य प्रश्नों को देख सकते हैं और उनके उत्तर समझकर अपनी नोटबुक में लिख भी समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।